So my name is Aditya Goel and I have done 1 year classroom program from BRICS PMT Academy and my NEET score is 685 and my rank is 405. Like last year NEET 2019 के बाद मेरा स्कोर था 564 और फिर मेरा पहले से डिसीजन था कि अगर मैं ड्रॉप लूँगा तो मैं LN से ड्रॉप लूँगा, बट लेटर ऑन जब मैं ब्रिक्स किया तो वहाँ पे उनके मुझे जो डेली DPP वाले जो पेपर हैं, लाइक हर रोज़ जो टॉपिक पढ़ाते हैं उनसे DPP लेते हैं वो, हर एक सब्जेक्ट का जो भी क्लासेस होती हैं उस दिन, है ना, और हर वीक हर मंडे एक 720 मार्क्स का पेपर, तो वो मुझे बहुत ही प्लस फैक्टर लगा कि एक प्रॉपर आपको आप स्टडीज़ के साथ अपने बने रहते हो, तो ये मुझे बहुत प्लस फैक्टर लगा और मैं उस वक्त उसी चीज़ से इम्प्रेस हुआ था जो मैंने ब्रेक्स उस वक्त ज्वाइन की थी। तो मैं मानता हूँ कि नीट का जो है उसके पाथ उसको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत डिफरेंट पाथ है, बट जो ब्रेक्स है उसने एक ईजीएस्ट पाथ बनाया हुआ है, आप अगर उसको फॉलो करोगे देन ईजिली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो कमिंग टू द सब्जेक्ट, अगर मैं बात करूँ तो PCB जैसे है तो उसमें मेरा केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, मुझे केमिस्ट्री उसमें इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है मुझे समझ नहीं आती थी, लिटरली समझ नहीं आती थी, बट आफ्टर मैं मोहित सर से पढ़ा, मोहित सर का पढ़ाने का ढंग मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, इंडिविजुअल में मोहित सर के पढ़ाने का ढंग मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो नोट्स हैं इतने कंसाइज हैं, इतने प्रिसाइज नोट्स हैं कि उनमें आप हर चीज़ बिल्कुल टॉपिक वाइज, NCERT की लाइंस भी उसी में है, प्लस उसमें हर वैरायटी का क्वेश्चन है, जैसे आप एक बार सिर्फ वो पढ़ लो, है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर द नीट। कमिंग टू द फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में मुझे वैसे सही थी बट थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उनसे बहुत डर लगता था मुझे फिज़िक्स में, है ना, और वो जुनैद सर ने कमी पूरी कर दी मेरी, उनके जो नोट्स हैं वो भी बहुत प्रिसाइज बहुत ही कंसाइज हैं और प्लस उसमें हर वैरायटी जो डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस फिज़िक्स में बन सकते हैं वो उन्होंने सारे उसमें बनाए हुए हैं, प्लस जो उसमें डिफरेंट NCERT की लाइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आती हैं वो भी वो लिखवा देते हैं, तो उनके नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। कमिंग टू बायोलॉजी, तो बायोलॉजी लाइक ब्रिक्स की फैकल्टी बायोलॉजी में बहुत ही बढ़िया है और इंडिविजुअल उनका जो पेपर है बायोलॉजी में वो बहुत अच्छा है, तो मैं ये कि NTA वालों को बताऊँ नीट का जो पेपर है वो सिद्दीकी सर और सादिक सर से पूछना चाहिए कैसे बनना चाहिए, क्योंकि वो इतना अच्छा पेपर बनाते हैं ना कि आपने अगर एक भी NCERT की लाइन नहीं पढ़ी तो आपके 5 और 4 मार्क्स कटेंगे पेपर में, और इन बिटवीन द लाइंस मैंने ब्रिक्स में आके ही सीखा कि NCERT में कितना ज़्यादा है और NCERT ही पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, प्लस हर लाइन में कैसे उसको एब्स्ट्रैक्ट करना है, समरी पढ़ना है ना, प्लस वो जो टीचर्स हैं वो लोग सिर्फ NCERT पढ़ाते हैं, उसी के टॉपिक्स पढ़ाते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि वो लोग उसी एक चीज़ से इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट करके बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बायोलॉजी में मुझे ऐसे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी बट उसमें NCERT की जो लाइंस थी मैं उनमें मगअप हो जाता था, उसमें क्या क्या चीज़ें वो मैं भूल जाता था कि NCERT लाइन में ये यहाँ पे नॉट है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। प्लस COVID-19 कोविड पेंडेमिक के दौरान जो लाइक बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग्स थी जिन्होंने बच्चे को अपने ऊपर छोड़ दिया कि अपने आप से पढ़ लो आप, बट जब मैं अपने घर आ गया था कोविड के दौरान तो जो ब्रिक्स है ब्रिक्स में उन्होंने विद इन अ मंथ और उससे भी कम में अपना पूरा जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था वो ऑनलाइन में शिफ्ट कर लिया, तो ऑनलाइन उसके बाद हमारे रेगुलर रोज़ क्लासेस होती थी, जो भी हमारी रह गई थी जो भी टॉपिक्स रह गए थे वो सारे कवर हो गए, उन्होंने हमें लॉगिन ID दे दी हमारा और एक पासवर्ड दिया जिससे हम उसको लॉगिन करके अपने सारी ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। सेकेंडली उसी में उन्होंने रेगुलर पेपर्स लिए उसमें और उसका भी रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाता था। लाइक लास्ट थिंग जो मैं कहूँगा कि डाउट, लोग डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास डाउट क्लियर नहीं है तो नीट में दिक्कत हो जाएगी, तो वो मैंने देखा कि डाउट क्लियर करने में टीचर्स भी यही मानते हैं तो वो डाउट बच्चे का हमेशा पूरा क्लियर करते हैं। लाइक मैंने देखा है जो दो क्लासेस के बीच में थोड़ा सा भी 10 या 5 मिनट का उनको गैप मिलता था वो उसमें भी डाउट बता देते, कोचिंग ख़त्म होने के बाद भी डाउट बताते थे, तो पर डाउट पूरा बताते, जो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सिस्टम। और डाउट कोविड के टाइम भी उन्होंने डाउट जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हमारा था ही उसमें व्हाट्सएप में सारी चीज़ें वो बता ही देते थे, है ना, और एक इंडिविजुअल भी आप उनको अगर व्हाट्सएप में आप अपनी क्वेरी भेजो तो विद इन अ डे वो आपको बता देते थे उसका सॉल्यूशन। थर्डली टीचर्स जो हैं यहाँ पे पूरी ब्रिक्स फैकल्टी
बहुत ही फ्रेंडली है, ज़्यादा फॉर्मल नहीं है। जैसे क्या होता है ना, आप भी एक मैं मानता हूँ टीचर और स्टूडेंट जो रिलेशन होता है वो जब फ्रेंडली होता है तो ज़्यादा प्रोडक्टिव उसके रिजल्ट्स दिखते हैं, तो ये मैं मानता हूँ। तो एट द एंड मैं ब्रिक्स फैकल्टी को फिर से थैंक करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के इंटीग्रेटेड एफर्ट्स की वजह से मुझे आज इतना बढ़िया स्कोर नीट पर मिला है और इतनी अच्छी स्कोर, इतनी अच्छी रैंक मिली है। थैंक यू।